देखिए दीदी को समस्या है जय श्री राम से। अरे हिंदुओं के आस्था का विषय है, हमारे कन कन में रगों में बसा है जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलने से दीदी को दिक्कत है क्योंकि घुसपैठी उसको वोट नहीं देंगे, क्यों घुसपैठी को वोटर आईडी कार्ड से लेके आधार कार्ड से लेके सब कुछ दिया गया है दीदी द्वारा। आज दीदी उसका यदि विरोध करते हैं दीदी को कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकेंगे दीदी, और सरासर वोट बैंक की राजनीति है दीदी की। दीदी ने बहुत सारे घुसपैठी घुसाएंगे, यही दीदी लोकसभा राज्यसभा में एनआरसी का विरोध करते हैं, फाइल फाड़कर फेंक देते हैं, आज इसका विरोध कर रहे हैं। कैसी राजनीति, ऐसी देश की विरंभना है, ऐसी नेता ममता बनर्जी जैसे नेता आज इसका विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं सरकार बनेंगे भाजपा का बनेंगे, 200 आंकड़ा का बहुमत का, और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे बंगाल में। तो आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति पर। बंगाल में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर टीएमसी, दीदी और बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, और इस बार क्या बंगाल बदलाव के मूड में है ये जानने के लिए हम सुजीत जी के पास आए हैं। सुजीत जी बंगाल से ही हैं, सर से पूछेंगे आखिर वहाँ का माहौल क्या है। सर सबसे पहले ये बताइए बंगाल का माहौल क्या है, क्या बंगाल बदलाव की मूड में है? देखिए बंगाल में विकास नहीं हुआ, बंगाल की जनता जान चुकी है जे वहाँ पे दीदी ने क्या काम किया। दीदी ने कुछ नहीं किया, वहाँ पे घुसपैठियों के मसीहा बन चुके हैं दीदी, और घुसपैठी घुसाते घुसाते आज दीदी उनके खिलाफ नहीं जा सकते, और दीदी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मैं तो चाहता हूँ पूर्ण बहुमत में, जेपी नड्डा जी का भी हमारा नारा है, हम 200 सीट जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे और हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे वहाँ पे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जय वहाँ पे विकास का काम, आप देखिए पूरे बंगाल में घूमिए, सिलीगुड़ी से लेकर और गोरखालैंड बोलते हैं आप, दार्जिलिंग का भी विकास दीदी ने कुछ नहीं किया, लोग जानते हैं। और मैं जानता हूँ पार्टी में और बड़े बड़े नेता आए हैं दीदी की पार्टी से, शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता दीदी के खिलाफ नंदीग्राम में जो दीदी ने टाटा नैनो के जो फैक्ट्री लगाने के टाइम में सीपीएम ने जो लगा रहा था उसके खिलाफ दीदी गए थे, ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगने देंगे, आंदोलन किए थे। तो उसमें आपका बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी भी थे, आज शुभेंदु अधिकारी उसके भ्रष्टाचार में, दीदी के भ्रष्टाचार के देखते हुए दीदी के पार्टी से अलग होकर वो भाजपा में शामिल हो गए। और मैं चाहता हूँ यदि सौरभ गांगुली पार्टी में आते हैं तो बंगाल का एक फेस मिल जाएगा और पूर्ण बहुमत से भाजपा वहाँ पर दोबारा सरकार आएंगे। इसी की तर्ज पर मैं तो कहना चाहता हूं असम का भी नारा है, हम 100 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर असम में भी सरकार बनाएंगे। जी सर एक सबसे बड़ा सवाल जो देश का हर व्यक्ति लगभग पूछता है कि दीदी को जय श्री राम से आखिर तकलीफ क्या है। अभी हाल ही में हमने देखा था नेताजी की जयंती पर पूरा प्रोग्राम था, दीदी ने कहा कि यदि बीजेपी इस तरीके से करेगी जय श्री राम के नारे लगवाएगी तो मुझे बात नहीं करनी है, तो दीदी को क्या समस्या है आखिर? देखिए दीदी को समस्या है जय श्री राम से। अरे हिंदुओं के आस्था का विषय है, हमारे कन कन में रगों में बसा है जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलने से दीदी को दिक्कत है क्योंकि घुसपैठी उसको वोट नहीं देंगे, क्यों घुसपैठी को वोटर आईडी कार्ड से लेके आधार कार्ड से लेके सब कुछ दिया गया है दीदी द्वारा। आज दीदी उसका यदि विरोध करते हैं दीदी को कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकेंगे दीदी, और सरासर वोट बैंक की राजनीति है दीदी की। दीदी ने बहुत सारे घुसपैठी घुसाएंगे, यही दीदी लोकसभा राज्यसभा में एनआरसी का विरोध करते हैं, फाइल फाड़कर फेंक देते हैं, आज इसका विरोध कर रहे हैं। कैसी राजनीति, ऐसी देश की विरंभना है, ऐसी नेता ममता बनर्जी जैसे नेता आज इसका विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं सरकार बनेंगे भाजपा का बनेंगे, 200 आंकड़ा का बहुमत का, और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे बंगाल में। जी सर जेपी नड्डा ने जी ने भी यही बात कही कि 200 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, क्या लग रहा है सर जो धरातल पर ये संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। अब देखिए सौरभ गांगुली का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है बीसीसीआई से, और यदि सौरभ गांगुली पार्टी में आते हैं बड़ा चेहरा बंगाल का एक फेस मिल जाएंगे, और सौरभ गांगुली को सीएम प्रोजेक्ट करे भाजपा और पूर्ण बहुमत में हम सरकार बनाएंगे बंगाल में। टीएमसी की कार्यकर्ता जो नुसरत जहां हैं वो जब शुरुआत में आई थी तो वो हिंदूवादी बातें खूब करती थी, लेकिन अब जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे उन्होंने अपने बयानबाजी शुरू कर दी है। नुसरत जहां ने अभी कहा कि यदि बीजेपी आती है बंगाल में तो अल्पसंख्यकों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इस पर क्या विचार? ऐसा भ्रम फैला रहे हैं टीएमसी, कुछ नहीं है देश में ये भ्रम फैला रहे हैं। आज देखिए एनआरसी को लेकर जो दीदी ने एनआरसी नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप को लेकर भी इन्होंने भ्रम फैलाया गया, यही दीदी लोकसभा राज्यसभा में फाइल फाड़ दिए थे, आज इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरासर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नुसरत जहां भी एक एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य हैं और ये भी इसका विरोध कर रहे हैं तो गलत है, सरासर वोट बैंक की राजनीति दीदी भी कर रही है, वो भी कर रही है वोट बैंक की राजनीति। जी
तो जैसा कि आपने देखा, बंगाल को लेकर जो सियासत है वो गर्म है। अब ये देखना होगा कि बंगाल में आखिर होता क्या है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।